ट्यूबलाइट अमेरिकी फिल्म लिटिल बॉय से प्रेरित है। ट्यूबलाइट नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि फिल्म के प्रमुख पात्र लक्ष्मण सिंह बिष्ट को सभी ट्यूबलाइट कहकर चिढ़ाते हैं। ट्यूबलाइट उस इंसान को कहा जाता है जिसे बात देर से समझ आती है, क्योंकि ट्यूबलाइट स्विच ऑन करने के बाद थोड़ी देर से चालू होती है। फिल्म का निर्देशन कबीर खान ने किया है। पिछली बार बजरंगी भाईजान में वे फिल्म को सरहद पार पाकिस्तान ले गए थे, तो इस बार उन्होंने चीन को चुना है। फिल्म की कहानी 1962 में सेट है, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। जगतपुर में लक्ष्मण अपने छोटे भाई भरत सिंह बिष्ट के साथ रहता है। अचानक भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ जाता है और सेना के आह्वान पर भरत इंडियन आर्मी में शामिल हो जाता है। युद्ध होने पर उसे लड़ने जाना पड़ता है और लक्ष्मण अकेला रह जाता है। उदास और परेशान लक्ष्मण को बन्ने चाचा सहारा देते हैं, जो गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। लक्ष्मण को बन्ने चाचा समझाते हैं कि दुश्मनों को दोस्त बनाओ। जगतपुर में ली लिंग अपने बेटे गुवो के साथ रहती है, जो चीन मूल की है लेकिन अब हिंदुस्तानी है। दोनों से लक्ष्मण दोस्ती कर गांव वालों की नाराजगी मोल ले लेता है। लक्ष्मण को अपने यकीन पर बहुत ज्यादा यकीन है। बन्ने चाचा बताते हैं कि यदि यकीन हो तो पहाड़ भी हिलाए जा सकते हैं, और वह इस कहावत को सच मान लेता है। युद्ध बंद होने पर भी भरत की कोई खबर नहीं आती, लेकिन लक्ष्मण को यकीन है कि भरत जरूर लौटेगा। क्या भरत युद्ध में मारा गया? जिंदा है तो युद्ध खत्म होने पर भी वह क्यों वापस नहीं लौटा? क्या लक्ष्मण का यकीन सच साबित होगा? इन प्रश्नों के जवाब ट्यूबलाइट की कहानी में छिपे हुए हैं। फिल्म की शुरुआत में भरत और लक्ष्मण के बचपन को खूबसूरती से दिखाया गया है। दोनों भाइयों की बॉन्डिंग अच्छी लगती है। सेना में भर्ती के लिए जो टेस्ट लिए जाते हैं वे दृश्य अच्छे लगते हैं। इसके बाद जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है अपनी धार खोती जाती है। एक समय ऐसा आता है जब फिल्म में लगातार सीन दोहराए जाने लगते हैं। लेखक को सोचता ही नहीं कि कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाए। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत कमजोर है, कुछ भी रोमांच नहीं है इसमें। बस फिल्म को खत्म करना था सो कर दिया। यकीन पर यकीन रखने वाली बात शुरू शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन बाद में उसे इतनी बार दिखाया जाता है कि यह बात अपना अनूठापन खो देती है। ट्यूबलाइट की कहानी पर लक्ष्मण का किरदार हावी है, इसलिए जरूरी था कि किरदार को इस तरह पेश किया जाए कि वह सीधे दर्शकों के दिल को छू ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लक्ष्मण के किरदार को मासूम या भोला जरूर दिखाया गया है, लेकिन कहीं से भी वह ट्यूबलाइट नजर नहीं आता। भोलापन और ट्यूबलाइट में अंतर होता है, और इस अंतर को फिल्म में ठीक से पेश नहीं किया गया है। इस बात पर यकीन करना कि वो बात सच होकर रहेगी अलग बात है, और चमत्कार होना अलग। लक्ष्मण जिस बात पर यकीन करता है वो होती जरूर है, लेकिन चमत्कार लगती है। मसलन वह अजीब से पोज बनाकर पहाड़ धकेलने की कोशिश करता है और भूकंप आ जाता है। वह युद्ध बंद करने पर यकीन करता है और युद्ध बंद हो जाता है। ये संयोग है, और इससे यकीन वाली बात की महत्ता साबित नहीं होती, इसलिए फिल्म ही अपनी ही बात को झुठलाती हुई लगती है। फिल्म में 55 वर्ष पुराना समय दिखाया गया है, लेकिन वो दौर महसूस नहीं होता। केवल ढीले कपड़े और स्वेटर पहनने से ही वो दौर नहीं दिखाया जा सकता। जगतपुर एक सेट लगता है, नकलीपन हावी है। कहानी में इमोशन डालने की खूब कोशिश की गई है। कुछ सीन भावुक भी करते हैं, लेकिन समग्र रूप से बात नहीं बन पाती। निर्देशक कबीर खान से पहला सवाल यही पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह की अधपकी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना क्यों मंजूर किया। कुछ दृश्यों को मनोरंजक बनाकर उन्होंने स्क्रिप्ट की कमियों को छिपाने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रयास पूरे नहीं पड़ते। खोखली कहानी होने के कारण इमोशन भी ऐसे उभर कर नहीं आते कि दर्शकों को रुमाल की जरूरत पड़े। गुओ को बार बार गु कहकर कॉमेडी करना भी अच्छी बात नहीं कही जा सकती। हिंदुस्तान सबका है वाली बात के लिए उन्होंने कुछ सीन गढ़े हैं, लेकिन कहानी में उनकी जगह नहीं बन पाई, इसलिए वे असरदायक नहीं लगते। सलमान खान इस फिल्म में मिसफिट नजर आते हैं। यह कहानी युवा हीरो की मांग करती है। अपने स्टारडम के सहारे जरूर वे बांध कर रखते हैं। उनका अभिनय एक जैसा नहीं है। सोहेल खान के चेहरे पर भाव नहीं आते, और कबीर खान भी उनसे काम नहीं करवा पाए। चीनी एक्ट्रेस जुजू का अभिनय उमदा है। ओमपुरी जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो यही दुख बार बार होता है कि हमने भारत का एक बेहतरीन अभिनेता जल्दी खो दिया।
सपोर्टिंग कास्ट ने अपना काम अच्छे से किया है। शाहरुख खान का कैमियो गहरा असर नहीं छोड़ता। संगीत फिल्म की कमजोर कड़ी है। प्रीतम एक भी गाना ऐसा नहीं दे पाए जो हिट हो। कुल मिलाकर यह ट्यूबलाइट ज्यादा उजाला नहीं करती। इस फिल्म को मैं 5 में से 2 स्टार देता हूँ।